सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा 9वें दिन पलवल से शुरू होकर मेवात पहुंची, जहां सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता का अभिवादन किया और अपनी सरकार की 5 सालों की उपलब्धियां भी गिनवाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के मौके पर देशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। पीएम ने अपने संबोधन में मैं फिट तो इंडिया फिट का नारा दिया। भिवानी में पीएम के संबोधन को लोगों ने विभिन्न माध्यमों से लाइव देखा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 25 सितंबर को जेजेपी महम में ताऊ देवीलाल जयंती मनाएगी। इस कार्यक्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शिरकत करेंगी। चंडीगढ़ में हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग को लेकर बैठक की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में हर महीने की 5 तारीख को प्लास्टिक फ्री दिवस के रूप में मनाया जाए। फरीदाबाद पलवल के बीच तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में भीषण आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। आरपीएफ और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर दिल्ली आ रही थी। फतेहाबाद में नगर परिषद ऑफिसरों पर कमीशन का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने परिषद में ताला जड़ दिया। साथ ही पार्षदों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। फतेहाबाद से दादूपुर से चलने वाली बस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर डाली। युवक कई दिनों से युवतियों को परेशान कर रहे थे। मनचलों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देवीलाल स्टेडियम में मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैथल में फार्मासिस्ट एसोसिएशन का धरना लगातार जारी है। फार्मासिस्ट के धरने पर जाने से मरीजों को काफी परेशानियों से दो चार भी होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर फार्मासिस्ट पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धारूहेड़ा में हुए बवाल के बाद रेवाड़ी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।